मेरा नाम डॉक्टर हरिंदर सिंह बेदी है। मैं चेयरमैन कार्डियोवैस्कुलर एंडोवैस्कुलर एंड थोरैसिक साइंसेज मोहाली पंजाब च काम करदा। अज असी मैं एक मैंबर हाँ वीनस एसोसिएशन ऑफ इंडिया और VAI एंड इन कोलैबोरेशन विद सर्डिया ये असी एक मुहिम चलाई है जिन्हों कहें वी केयर, जिदे असी दस रहे हैं कि भाई ये जी बीमारी है असी नसा की बीमारी, नसा च भी वेन की बीमारी, वीनस बीमारी के बारे गल करांगे। नाउ कॉमनस्ट वीनस बीमारी होंदी है वेरिकोस वेन्स, इहदा नाम वेरिकोस वेन्स है। एक ही होंदा है जब वेन साडी नसा फुल जांदियां हैं एंड डायलेट हो जांदियां हैं, गुच्छा जिस तरह की बर्म्स का गुच्छा होंदा है उस तरह लगदी है, इहनू वेरिकोस वेन्स कहिंदे आ। एंड ये बड़ा ही कॉमन प्रेवलेंस है इहदा, इंडिया च 48 मिलियन पीपल दे अफेक्टेड है इस बीमारी तो। स्पेशली जिस तरह उम्र बढ़ती है साडा इंसीडेंस ऑफ वेरिकोस वेन्स बढ़ जाता है। नाउ इहदा कारण की है, तुहानू पता होना कि वेन्स हुंदियां जिहड़ी नसा वो ब्लड सानू वापस ले आउंदी है लैग्स तो पैरों तो। जब आदमी मिलियनज ऑफ ईयरस पहले खड़ना शुरू होया तो सारा प्रैशर जिहड़ा है ग्रैविटी का वो वेन्स के उत्ते गया, ब्लड के उत्ते गया। सो नेचर ने भी इवॉल्व किया, नेचर ने वेन के अंदर वैल्वस बनाए। ये वैल्व जिस तरह बिल्कुल साइकिल या किसी होर चीज़ वैल्व होंगे उस तरह के ही वैल्व होंगे। यदा काम की है, ये जिस तरह वैल्व है जब खून थलों उत्ते आ रहा है वैल्व खुल जाएगा तो ब्लड उत्ते जा देगा हार्ट की तरफ, एंड जब ब्लड थले आने की कोशिश करेगा यह वैल्व बंद हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड, यू कहते हैं कॉम्पिटेंट वैल्व, कि वैल्व अपना काम कर रहा है, वैल्व ठीक काम कर रहा है। जब ये वैल्व ठीक ना काम करे उसको हम इनकॉम्पिटेंट कहते हैं, और उसके कारण वेरिकोस वेन एक रीजन है कि वेरिकोस वेन हो सकती है। सो वैल्व जब काम नहीं करेगा तो वेन नस में खून इकट्ठा होना लग जाएगा और नस जो है बढ़ जाएगी, उसका साइज बढ़ जाएगा। सो उसके कारण एक साइकिल बन जाएगा कि नस बड़ी हुई तो वेन जो है थोड़ी और दूर हो गए, उसके जो दो लीफलेट हैं, तीन लीफलेट हैं, वो दूर हो जाते हैं। और सो उसके कारण ये बीमारी जो है और अपने आप को प्रज्वलित करती है और इसको विशियस साइकिल हम कहते हैं। सो इससे मरीज को क्या होगा, मरीज को क्या तकलीफ होगी, उसके पैर में भारीपन होगा, पैर में सोजिश होगी, थोड़ा आगे जाएंगे तो पैर में नसें दिखने लगेंगी। सो जिहड़ा जिस तरह गुच्छा होंदा है उस तरह नसां दिखनगियां। होर एडवांस्ड होएगा तो ब्लड जो है वो लीक हो जाता है इसकी चमड़ी के अंदर, और लीक होएगा तो वो काला या लाल निशान वहाँ करता है और एक्जिमा करता है, मरीज को खुजली होगी उस पैर में। और लेटर ऑन जब ब्लड प्रेशर वीनस वेन का इतना बढ़ जाएगा तो उसमें छाला पड़ जाएगा जिसको अल्सर कहते हैं, और ये छाला जो है ब्लीड भी कर सकता है इसमें खून। मेरे कई पेशेंट्स हैं जो कहते हैं जी बहुत ब्लीडिंग हुई, और हमने नॉर्मली क्या करता है आदमी जब ब्लीडिंग होती है ऊपर से बांध देते हैं, तो उसने ऊपर से बांधा तो ब्लीडिंग बढ़ जाती है। सो अगर बाई चांस आपको वेरिकोस अल्सर है और ब्लीडिंग हो तो उसको लोकल दबाएं, उसको ऊपर से ना दबाएं। सो ये तो हो गया कि कैसे पेशेंट हमारे पास आएगा। नौ किस मरीज में क्यों होता है ये एक्चुअल रीजन हमें नहीं मालूम, जे तो साडे फैमिली हिस्ट्री है इस बीमारी की तो हमें इंसिडेंस बढ़ जाता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी इंसिडेंस बढ़ जाएगा। लेडीज में 41% ऑफ लेडीज जो 50 साल तक पहुँचते हैं उन्होंने 40% च वेरिकोस वेन हो जाती है। ये कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होर भी हैं, जिस तरह की कोई प्रोफेशन जिद बहुत देर खड़ा होना पे, जिस तरह मैं सर्जन हाँ तो सू बहुत देर खड़ा पैना होंगे साडे च भी इंसीडेंस ज़्यादा है। पोस्ट ऑफिस वर्कर्स, कॉन्स्टेबल जरा ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, ये सारे च थोड़ा इंसीडेंस ज़्यादा होंगे। जोड़ा बंदा मोटा होए या ओवरवेट होए वो भी इंसीडेंस ज़्यादा है। प्रैगनेंसी विच खून बॉडी च मदर च बढ़ जाता है, वो कारण सारी नसा बॉडी दियाँ फुल जाए हैं एंड सॉफ्ट भी हो जाती हैं। सो ये कारण प्रैगनेंसी या कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होरमोनल पिल ले रहा होए वो इंसीडेंस वेरिकोस वेन का बढ़ जाएगा। ऑफकोर्स प्रैगनेंसी जब सक्सेसफुल हो जाएगी वो बाद जनरली वेरिकोस वेन वापस नॉर्मल हो जाते हैं। बट जे कोई होर भी फैक्टर सेगा जिस तरह वजन जो ज़्यादा है तो वेरिकोस वेन हो सकता है नॉर्मल ना भी आए। नाउ इधर डायग्नोज किस तरह करेंगे, डायग्नोज लिए सब तो पहला पेशेंट को हम एग्जामिन करते हैं। सो एक साफ वार्म गर्म वेल लाइटेड कमरे में, उसके बाद जो बेस्ट टेस्ट है, जो एक टेस्ट हमें करना ज़रूरी है वो है डुप्लेक्स स्कैन, आपने सुना होगा डॉपलर स्कैन। इसमें कोई सुई नहीं लगती, कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, ये सिर्फ एक जैसे अल्ट्रासाउंड हम ऊपर से करेंगे
एंड वेरा सिंपल टेस्ट है, हर एक शहर में अवेलेबल है। इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी नस है जो लीक कर रही है, कौन सा वैल्व है जो काम नहीं कर रहा है, उसका इलाज हमें क्या करना है। मरीज को भी हम दिखा सकते हैं कि भाई आपकी ये वाली नस खराब है और इसका ये इलाज है। सो नेक्स्ट है कि इलाज क्या है और इलाज कब करना है, हर एक में इलाज की जरूरत नहीं होगी। सो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, मरीज को रीअश्योर करते हैं कि हाँ भाई आपके पैर में दर्द है, आपके गुच्छे बन गए हैं, घबराने की बात नहीं है, इसका इलाज है। अगर उसका वजन ज्यादा है तो उसको पहले बोलेंगे वजन कम करो, स्टॉकिंग्स होती हैं वो स्टॉकिंग्स हम उनको पहनाते हैं जिससे कि वो प्रेशर बाहर से जो है स्किन का प्रेशर बढ़ जाए। कुछ दवाइयां हैं जो वीनो एक्टिव दवाइयां हम उनको कहते हैं, उन दवाइयों से नस जो है, वेन जो है, थोड़ा सा उसका टोन वापस आ जाता है। सो ये सब शुरू की बातें हैं। अगर बीमारी इससे ज्यादा हो, इसको हम कहते हैं 3C। सी पहला है कॉस्मेसिस, मतलब जो मरीज कहता है कि मेरे जी पैर मुझे अच्छी नहीं लगती नसें, मैं कहीं बाहर जाता हूँ निकर पहनता हूँ तो अच्छा नहीं लगता, एक तो वो रीज़न है जो पेशेंट कहता है कि मेरे को नहीं चाहिए, ये खराब लुक नहीं चाहिए। दूसरा है कि उसके अगर कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सीवियर दर्द है उसको, वो अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, सो वो अनदर इंडिकेशन है। और तीसरा ऑफकोर्स जो कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं, अल्सर हो गया है, पेशेंट नू ब्लीडिंग हो चुकी है, या उस नस के अंदर क्लॉट भी बन सकता है, खून जम भी सकता है, जे वो हो जाए तो दैन इंडिकेशन होंगे सानू इलाज दे। हुण इलाज की होंगे, इलाज बहुत सौखा हैगा। ये असी दूरबीन नाल, पहले तो यदा पूरा वड्डा ऑपरेशन करते सी, हुण दूरबीन नाल, लेजर नाल, ते होर भी तरीके हैं उहदे नाल, बिना कट लगाए, बिना बेहोश किए, सुन करके यदा दूरबीन नाल इलाज हो जाता है। ऑपरेशन कहने ऑपरेशन है पर एक्चुअली प्रोसीजर कह सकते हैं इनू। जो मरीज सवेरे आएगा 10 बजे यदा प्रोसीजर करांगे, अद्धा घंटा लगता है, एंड आफ्टर हाफ एन आवर पेशेंट घर जा सकता है, 12 बजे घर जा सकता है। ये कोई बेड रेस्ट की लड़ नहीं है, छुट्टी की लड़ नहीं है, एक दिन की छुट्टी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा लड़ नहीं है। सो ये एक स्नैपशॉट में हमारा एसोसिएशन वीनस एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद सर्डिया सर्वियर कंपनी, ये हम एक मुहिम चला रहे हैं कि कैसे हम ये बीमारी जो मैंने बताया 48 मिलियन इंडियंस को होती है उससे हमें प्रिवेंट किया जाए, और अगर हो जाए तो उसका टाइमली इलाज हो जाए। धन्यवाद।